तो ये बाप को उस मोहब्बत का वास्ता, तो आप मुझसे करते, आप इनकार नहीं करेंगे। अपनी बहन के इस दर्द के साथ जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। हाँ तो भाभी फिर बताएं कब बारात लेकर आए आपके घर? इतनी भी जल्दी क्या है, जरा सबर कर जाओ, हम पहले आपस के मामला तो तय कर लें। ये आप जो चाहेंगी वही होगा, जैसे चाहेंगी होगा। हाँ तो फिर ठीक है, फिर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक स्टैम्प पेपर पे साइन करना होगा, जिसमें सारी हमारी शर्तें होंगी। अरे आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे, मगर मुझे आप लोगों की कोई शर्त मंजूर नहीं है। नौशीन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम होती कौन हो बड़ों के बीच में बोलने वाली? क्योंकि बड़े बहुत छोटी बात कर रहे हैं, वरना मैं कभी भी ना बोलती। नौशीन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सॉरी अम्मी, मगर मैं आज के बाद आपकी कोई बात नहीं मान रही, और पप्पू मुझे आपके बेटे से रुखसत ही नहीं बल्कि खुला चाहिए। नौशीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मामी ऐसी कोई शर्त रख देंगी। क्या करे, है ही वो इतनी शातिर औरत। मगर मुझे ये मंजूर नहीं, सरासर घाटे का सौदा है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी रिहाई भी इसी शर्त पे हुई थी कि हम उनकी हर शर्त मानने वाले हैं। तो ये सब आपके और आपकी भाभी के दरमियान तय हुआ, मैंने ऐसी कोई हामी नहीं भरी। बेवकूफ लड़के, जब तक तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे, भाभी नौशी को विदा नहीं करेंगी। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? वाह, मतलब चट भी उनकी और पट भी, हमें क्या मिलेगा? मतलब नौशी यहाँ खाएगी पिएगी रहेगी, मगर अपनी आधी तनख्वाह मामी के हाथ में रखेगी। जानती हूँ मैं सब, पता है मुझे उनकी सारी क्या प्लानिंग है। फिलहाल तो तुम चुप करके साइन कर दो ना, फिर की फिर देखी जाएगी भाई। फिर मामी देखेंगी और देखती रह जाएंगी। ठीक है, बाद में जो मर्जी आए कर, अभी फिलहाल तुम खामोश रहोगे जब तक रुखसती नहीं हो जाती। अच्छा आप ज्यादा गुस्सा नहीं, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अब प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी, अम्मी जबरदस्ती कर रही हैं, मैं वहां खुश नहीं रह पाऊंगी। कल मैंने तुम्हें कुछ बातों के लिए समझाया था ना, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है। समझ तो आपको नहीं आ रहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेकार की बातें मत करो, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम्हारे दिमाग में जो हुन्नस भरी हुई है ना, ये निकाल कर बाहर फेंक दो बेटा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, माँ बाप तो कुछ समझते ही नहीं है। सादिया बेगम, देख लो, अर्शी अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो मेरा मतलब ऐसा ना हो ना कि लड़ झगड़ के घर आकर बैठ जाए। कुछ भी नहीं होता, शादी से पहले सब लड़कियां इसी तरह रोती हैं, शादी के बाद सब सेट हो जाती है। आप टेंशन ना लें, नाश्ता करें। तुम भी ठीक कहती हो। नौशी कहाँ है, ऑफिस चली गई क्या? अरे आप भूल गए, आज अमर की पेशी है ना, जुहेब और नौशीन वहीं गए हुए हैं। सल्ला करे साथ खैरियत की मेरा बच्चा घर वापस आ जाए, मैंने उसके लिए नफले मानी हुई है। जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि अहमर की जमानत हो गई है, हम लोग अभी जेल के बाहर ही मौजूद है। वकील साहब जमानत के पेपर लेके गए हुए हैं, जैसे ही अहमर आता है मैं आपकी बात कराती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। नौशीन, वी आर अ फैमिली नाउ, इसलिए प्लीज ये शुक्रिया का गर्दान बंद कर लो। आप मुझसे बात करते हुए इतना रूठ क्यों हो जाते हैं?
अभी भी नाराज है मुझसे? नहीं, not really. मैं actually अपनी उलझन में फंसा हुआ हूँ. Anyway, अहमद नहीं आया, काफी देर हो गई है. Let me call him. रहने दे, अहमद आ गया है. अहमद कैसे हो तुम? मैं समझाता हूँ तुझे. बस अब ये रोना धोना बंद करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि खैरियत से बच्चा घर आ गया. लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, लेकिन मेरे बच्चे पर तो जेल का ठप्पा लग गया ना. अहमद, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? इस सवाल का जवाब तो मुझे आपसे चाहिए. अगर आप अपनी मनमानियां ना करती ना, तो अर्शीन के साथ वो सब कुछ ना होता जो एक गैरतमंद भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता. तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे? तो और कौन है आपके अलावा? अम्मी अब्बू की आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप, और साथ साथ अपने नक्शे कदम पर अर्शीन को भी चला रही थी. हेमर, सोच समझ कर बात करो, कम से कम तुम तो. बस आप ही बस. जेल में बैठ के मैंने बहुत सोचा है, असल कसूरवार ना आप ही लगी है मुझे. तमीज से बात करो हेमर, बड़ी बहन है तुम्हारी. जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, जाओ. तमीज कहीं का बेटा, तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानना, बच्चा है अभी, ना समझे. बेटा बिजी तो नहीं हो? ऑफिस के कामों में बंदा कहाँ फ्री रहता है. Was just visiting a site. जल्दी बताएं क्या काम था. इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो ज़ोहेब? Are you upset? I'm sorry, I didn't mean to. थोड़ा सा स्ट्रेस था. Anyways, आप बताएं क्यों कॉल की है. बेटा मैं अर्शीन की तरफ जा रही हूँ, उसे शॉपिंग के लिए ले जाना है. अगर तुम एक दो घंटे स्पेयर कर सकते हो तो मार्केट आ जाओ. नहीं, आई एम टू बिजी. ज़ोहेब, शी इज गोइंग टू बी योर वाइफ बेटा, और ये उसके लिए बहुत अहम मौका है. तुम्हें उसके साथ मिलकर शॉपिंग करनी चाहिए. मामा, मैंने कहा ना दैट आई एम टू बिजी. आई एम रियली अपसेट. अगर तुमने इस रिश्ते को कबूल किया है तो बी अ जेंटलमैन, दिल से निभाओ इसे, वरना उस बच्ची की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत है. ऑल राइट मदर टेरेसा. एक तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के गम सिर्फ आप ही को है. I'll be there in an hour. That's like my boy. Okay, I'm waiting for you. अगर आप अपनी मनमानियां ना करती ना, तो अर्शीन के साथ वो सब कुछ ना होता जो एक गैरतमंद भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता. अम्मी अब्बू की आजादी का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप, और साथ साथ अपने नक्शे कदम पर अर्शीन को भी चला रही थी. जेल में बैठ के मैंने बहुत सोचा है, असल कसूरवार ना आप ही लगी है मुझे. क्या मतलब है आपका? जिस लड़के ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसी के साथ मेरी दूसरी बहन को रुखसत कर रही हैं? अपने जज्बातीपन को जरा कंट्रोल करो, इसी की वजह से आज हम इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं. मेरी वजह से नहीं, उस आजादी की वजह से जो आपने अपनी बेटियों को दे रखी है. बकवास बंद करो अपनी. जेल से ये सीख कर आए हो कि अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली. जिस बहन के खिलाफ तुम बातें कर रहे हो ना, उसने पानी की तरह पैसा बहाया तुम्हें जेल से निकालने के लिए, और आगे भी वही सब कुछ करेगी. ना करती, मैंने मिन्नत ही नहीं की थी. तुम्हारी बड़ी बहन है वो, उसकी इज्जत करो, जाके उससे माफी मांगो, क्योंकि आने वाले साल में तुम्हें उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, समझे? बदतमीज.
पापी, पापी वो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, माफ कर दे मुझे। पता है मुझे बुरा लगा होगा। आप क्या है ये? मुझे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है। ये अच्छा नहीं हुआ है मैं। अब कुछ अच्छा नहीं होगा आप ही। इसे मत कहो बेटा। कुछ अच्छा नहीं होगा मेरी जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आइए ना। हाँ चल। अरे सादिया, मैं कुछ भी नहीं लूंगी, नाश्ता करके आई हूँ। और वैसे भी आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। अरे कुछ तो लो, चाय तो पियो। नौशीन बेटा, आपकी शादी की डेट फिक्स होने की मुबारकबाद नहीं दे सकी थी। बहुत बहुत मुबारक हो, सदा खुश रहो बेटा। शुक्रिया आंटी। अच्छा अर्शी को तो बुलाएं, तैयार है ना वो जाने के लिए? हाँ हाँ, वो आप ही का वेट कर रही थी। मैं बुला के लाती हूँ उसे। अर्शी तो मैं मम्मी बुला रही हूँ। क्यों, वो क्यों मुझे बुला रही हैं? उन्हें क्या काम पड़ गया मुझसे? तुम्हारी सास बाहर आई हुई हैं, तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाना चाह रही हैं। मम्मी ने बताया तो था तुम्हें। मैं मना कर चुकी थी कि मैं नहीं जाऊंगी। ये बात तुम बाहर जाकर मम्मी को खुद बता। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। तुमने इसका रवैया देखा था? कैसे सर झाड़ और मुंह फाड़कर अपनी सास के साथ बाजार चली गई। इस पर किसी बात का असर नहीं होता है। मम्मी, हम उसे हर बात के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते ना। मैं कर सकती हूँ, ये मेरी नरमी का फायदा उठा रही है। अरे जरा सोचो, इसके ससुराल वालों को अगर इसके बेजार रवैये का पता चल गया तो क्या होगा? अब क्या कह सकते? समझाओ उसको कि खुदा का शुक्र अदा करना सीखे। तुम्हें पता है खानदान वाले और मोहल्ले वाले यही सोच सोच के परेशान है कि इतना अच्छा रिश्ता मिला कैसे, और ये है हर वक्त नाशुक्री करती रहती है। मम्मी, अमर को कॉलेज से निकाल दिया है। क्या क्या किया है कॉलेज में इसने? उसकी मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से उसके लिए कोई नया कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। लो जी, इसकी कसर थी। अमर को बताया तुमने? बताया था मैंने उसे, गुस्से से बाहर निकल गया। तो जाहिर है गुस्सा तो करेगा ना। मेरे बच्चे की 2 साल की मेहनत जाया हो गई है, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से बदनामी अलग। मियां परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ ना उसके लिए कोई नया कॉलेज, हो जाएगा एडमिशन। हाँ तो जाहिर सी बात है तुम्हें ही देखना होगा, तुम ही काम करती हो। अब ये ना करना कि ससुराल जाके हमें भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा अम्मी, मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। होना भी चाहिए, अब सब कुछ तुमने करना है क्योंकि तुम्हारे अब्बा तो किसी काम के नहीं है। चलाएंगे, मैं करती हूँ। मुबारक हो, आपका भांजा रिहा हो गया। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। मोहल्ले में ऐसा सीना तान के चल रहा था जैसे अभी अभी कश्मीर फतह करके आया हो। पता है कैसे घूर रहा था मुझे? तो घूरता रहे, अब वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमानत पे रिहा हुआ है, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। पहले उस गलती की तो सजा वो भुगत ले जो कर चुका है। छोड़ूंगा नहीं इस पिद्दी के शोरबे को मैं। ये देख मेरे बंधे हुए हाथ, देख
सबर कर ले, सबर कर ले, सब हो जाएगा, बस ठंडा दिमाग करके। अच्छा ये बताएं भाऊ की शॉपिंग करने कब जाना है? तो मुझे आज पैसे दे दे, मैं कल चली जाऊंगी। पैसे रहे कब मेरे पास? मुश्किल से तो नौकरी लगी थी, जेल जाने से वो भी छूट गई। अच्छा छोड़ ना, जान बची सो लाखों पाए। तू बेफिक्र रह, मैं अभी कोई स्कीम लड़ाती, तेरे अब्बा से लेती हूँ पैसे। मिल गए पैसे फिर तो। तू बेफिक्र हो जा, सब हो जाएगा, मैं करती हूँ कुछ। ये चुनना मेरे साथ, बहुत छोटे कंकर है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पकड़ ले। सर इसमें कोई पसंद आया आपको? यार इनसे ही पूछो, इन्होंने पहना। अगर मेरी जगह आप ही होती तब भी आपका यही रवैया होता, जान छुड़वाने वाला। क्या बोल रही हो? मुझे पता है आप मेरी जगह किसी और को देखना चाहते हैं। डोंट वरी, आपकी ये ख्वाहिश भी अभी पूरी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं करनी मुझे ये शादी, मेरी तरफ से साफ इनकार है। अर्शीन, अर्शी, अर्शी, वफा कर चले। तुम्हें मैंने किस लिए भेजा था कि अर्शी को लेकर आओ? अम्मी गड़बड़ हो गई है, मुझे अभी कुछ सुनना नहीं है, बाहर सब निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसको लेके बाहर आओ। जब वो है ही नहीं तो कहाँ से लेकर आऊँ, वो भाग गई। वफा कर चले।